हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एड्डा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टर्म के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो टर्म है ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ठीक है, जो यहाँ हम बात करेंगे ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन, दैट इज़ एरोबिक एंड अन एरोबिक। एरोबिक तो सबको क्लियर हो गई, हमने सिक्स क्लास से पढ़ रखा है एरोबिक और अन एरोबिक। अगर नहीं भी याद है तो और मैं रिवीजन करा दे रही हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, वैसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और वैसी रेस्पिरेशन जो एब्सेंस में होगी ऑक्सीजन के तो उसको अनएरोबिक कहते हैं। कितना सिंपल सा है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी सिंपल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज मैं इसको एकदम से क्लियर कर दूंगी कि आप कभी कन्फ्यूज़ ना होंगे इस टर्म को लेके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताती हूँ, ऐसे एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी जो आप रिलेट करोगे और कभी नहीं भूलोगे। आपने देखा है कि जिनको चाय पीने की, आपके फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को चाय की आदत होती है, किसी को नहीं होती है, किसी को कॉफ़ी की आदत होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको चाय की आदत होती है, वो बस चाय ही पीते हैं, विदाउट चाय वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग चीज़ ले ले, कॉफ़ी ले ले, ग्रीन टी ले ले या लेमन टी ले ले, तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको चाय की ही आदत है। दे आर ऑब्लिगेट, उनको चाय चाहिए तो चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए, उसके बिना वो नहीं रह सकते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको चाय की आदत होती है, बट हाँ अगर चाय ना मिले तो वो ग्रीन टी से भी काम चला लेंगे, कॉफ़ी से भी चला लेंगे और लेमन टी से भी। तो थोड़े कंप्रोमाइजिंग टाइप के लोग जो होते हैं वो फैकल्टेटिव होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, जो एकदम कंप्रोमाइज़ नहीं करते दे आर ऑब्लिगेट, और जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़े से काम चलाऊ लोग होते हैं, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आज कॉफ़ी, आज चाय नहीं तो कॉफ़ी पी लेते, कॉफ़ी नहीं मिल रही है तो ग्रीन टी पी लेते हैं, तो कुछ इस तरीके के लोग होते हैं, दे आर फैकल्टेटिव। ओके, चलिए अब विथ रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो हम लोग जानते हैं प्रोसेस होती है, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है रेस्पिरेशन इज़ प्रोसेस, जैसे हम लोग में होते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस दे और रेस्पिरेशन ना, तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी रेस्पिरेशन होती है। कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ अनएरोबिक करते हैं। तो अगर ऑब्लिगेट एरोबिक है, मतलब ऑब्लिगेट एरोबिक ये जो रेस्पिरेशन हो रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है और ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, नहीं तो वो मर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारा एज ए बैक्टर ने चाहिए, दे कैन सर्वाइव ओनली एंड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर सर्वाइवल। कितना सिंपल सा है। अगर वही बात हम करेंगे ऑब्लिगेट अनएरोबिक, अब ये बात है अनएरोबिक की। ठीक है बच्चों, जो अनएरोबिक है क्या है, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मर जाएंगे। अगर उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी ना तो वो मर जाएंगे। विदाउट ऑक्सीजन वाला जो कंडीशन होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, उसमें वो वेल फ्लोरिश करेंगे, बड़े मज़े से रहेंगे, एकदम पार्टी शार्टी करेंगे, उनको वही कंडीशन चाहिए। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट, दैट इज़ इफ ऑक्सीजन इज देयर दे वुड नॉट सर्वाइव। जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होता है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी में लिख लें या फिर याद कर लें, किसी भी तरीके से कुछ भी करें, बट हाँ याद होना चाहिए। क्रैम्प कर लीजिएगा, खा लीजिएगा क्रैम्प करके। ठीक है, अब हम फैकल्टेटिव के बारे में बात करते हैं। फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होते हैं, मतलब एरोब्स तो समझाना, ऊपर में समझाया मैंने कि क्या होता है, ऑक्सीजन उनको चाहिए होता है। तो फैकल्टेटिव एरोब्स जो होते हैं, दीज बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, दे आर नॉर्मली अनएरोबिक। ठीक है, दीज बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, दे आर नॉर्मली अनएरोबिक। कि जो नॉर्मली जो होते हैं ना वो अनएरोबिक होते हैं, मतलब वो आराम से अनएरोबिक कंडीशन में, विदाउट ऑक्सीजन वाले कंडीशन में फ्लोरिश करते हैं, ग्रो करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। हाँ, लेकिन उनको वैसा कंडीशन मिला कि ऑक्सीजन उनके पास मिल गया तो भी वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा अच्छा हुआ ना फैकल्टेटिव की कंप्रोमाइजिंग, जो कंप्रोमाइज़ करता है वो सर्वाइव करता है। ये भी चीज़ है ना, जहाँ आपको लगे कि हाँ आपको कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए तो वहाँ कर भी लेना चाहिए। जैसे कि इनसे देखिए, तो ये क्या है, लैक्टोबैसिलस एग्जांपल है, याद करना कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फैकल्टेटिव अनएरोब्स, मतलब
विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, नॉर्मली दे आर एरोबिक। अब जो फैकल्टेटिव अनएरोब्स जो होते हैं नॉर्मली एरोबिक होते हैं, मतलब वो नॉर्मली उनको ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए, बट सर्वाइव कर जाते हैं अनएरोबिक कंडीशन में, जैसे कि एसिटोबैक्टर हो गया हमारा, ठीक है, एसिटोबैक्टर। तो ये समझ में आना चाहिए फैकल्टेटिव एरोब्स जो है वो विदाउट ऑक्सीजन रहना पसंद करते, अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो भी सर्वाइव कर लेंगे। लैक्टोबैसिलस हो गया, फैकल्टेटिव अनएरोब्स जो होंगे नॉर्मली तो वो एरोबिक होते हैं, उनको ऑक्सीजन में रहना पसंद होता है, बट हाँ अगर ऑक्सीजन ना मिले फिर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये जो है ना काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो देखते हैं बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो बच्चों कंफ्यूज एकदम नहीं होना, एकदम रिलेट करके पढ़ो, अपने फैमिली से रिलेट करके पढ़ो, ऐसी इन चीज़ों से रिलेट करो जो आपको याद रहे। तो अब तो याद रहेगा ना कि ऑब्लिगेट, अब देखोगे किसी अंकल को कि वो चाय पी रहे हैं, बोल रहे चाय नहीं है तो अब मैं चाय नहीं पीऊँगा, बिना चाय पिए जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हो वो दे और ऑब्लिगेट, उनको चाय चाहिए, ठीक है। और फैकल्टेटिव कुछ ऐसे होते नहीं, चाय मिला कोई बात नहीं है, मैं कॉफ़ी से काम चला लूँगा, ग्रीन टी है, अच्छा ग्रीन टी भी नहीं तो मैं पानी से भी काम चला लूँगा, इतने सीधे होते हैं। अच्छा होता है, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, तो ये फैकल्टेटिव में आ गई, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और एग्जांपल्स है, ऑब्लिगेट एरोब्स का एग्जांपल एसिटोबैक्टर, ऑब्लिगेट अनएरोबिक का एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम, एंड फैकल्टेटिव एरोब्स का एग्जांपल है लैक्टोबैसिली, एंड फैकल्टेटिव अनएरोबिक का एग्जांपल है एसिटोबैक्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।